नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ कंपनीज के गुड टेक्निकली चार्ट पैटर्न के एनालिसिस भी मैं करके आपको दिखाऊंगा, और मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलैक्सो के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर रिलैक्सो कब कब ऊपर जाएगा, क्योंकि लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। और एक दोस्तों ने तो बहुत शानदार कमेंट्स भी किया, सर होल्ड करते करते मैं थक चुका हूँ। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मार्केट में आप जो सोचकर मार्केट में आए हैं, शायद मार्केट आपको बहुत उस तरीके से रिटर्न नहीं दे पाएंगे। मैं पहले आपको एक कड़वी बात भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में हम लोग यही सोचते हैं कि जब भी हम लोग बाई करें उस लेवल से ही शेयर को ऊपर जाना चाहिए, कभी नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे अगर होता तो क्या आज रिलायंस, टाटा, अंबानी, अदानी, क्या ये लोग बिजनेस करते? ये लोग तो सारे पैसे यहाँ पे ही डाल देते ना, क्योंकि वो जब भी डालेंगे उसके बाद ही तो ऊपर ही जाएगा, तो उसका हमेशा प्रॉफिट होता रहेंगे। तो इस सोचने वाला बात है, क्योंकि जो लोग इस तरीके से बात करते ना, मुझे लगता है वो लोग मार्केट में टाइम पास करने के लिए आए हैं। देखिए, मेरे बात से आप शायद डिसएग्री भी हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस होना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। देखिए, जो आप जो सोच रहे हैं कि वो ट्रेडिंग वाला बात है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग करिए। डेली बेसिस जो ट्रेड होता है इक्विटी में, एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसके ऊपर ट्रेड करिए। आज का ही रिजल्ट आपको आज का ही मिल जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इक्विटी में ट्रेड किया हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए और मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बता दूँ आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है। अगर जिस कंपनी के ऊपर आपने निवेश किया है तो उसको फंडामेंटल फाइनेंशियल को चेक करके आपने भरोसा किया है, तो वो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट देगा। ऐसे में रिलैक्सो के ऊपर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। मैं क्यों पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ मैं आपको बता दूँ, इतना बड़ा फॉल होने के बाद, क्योंकि देखिए कंपनी का हाई था 974 और कंपनी लो के 762, अभी 824 के आसपास चल रहा है। देखिए, कहाँ पे चल रहा है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, क्या सही में ग्रोथ हो रहा है, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के पी रेशियो, जो मुझे एक हाई लगा, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास और आज है 100 के आसपास, फिर भी इसके एवरेज पी रेशियो 100 के आसपास ही है। तो कंपनी खुद के जो इंडिविजुअली पी रेशियो है वो तो देखा जाए तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है, मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो जिसके चलते करेक्शन होने का चांसेस था और इसलिए करेक्शन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी की और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम चला गया था कितना, 23 के आसपास, और आज कहाँ पे आया, कोविड के जगह पे। कोविड में जो था 10% के आसपास, कोविड में था 10% के आसपास, अभी भी 10% के आसपास है, मतलब एक फिर से यहाँ से अपकमिंग जर्नी होने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि कंपनी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली कंपनी के अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ कम होता देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी में वोलेटिलिटी तो है, फिर भी देखिए कंपनी प्रॉफिट को एक रेंज बेसिस में मेंटेन किया। पिछले साल में 30 करोड़ था, इस बार 39 करोड़ बना। पिछले क्वार्टर्स में 44 करोड़ था, इस बार 39 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी के हिसाब से चल रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन के बेसिस में चल रहा है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी एक फुटर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो फुटर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमेशा एक थिंकिंग यही देखने को मिलेगा आपको कि कंपनी लगातार जो ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार जो कंपनी आगे बढ़ रहा है, उस कारण के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ सकता है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में दिखाने से पहले और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आप जरूर यहाँ पे देखिए। पीआर कंपनी में अगर देखेंगे तो रिलैक्सो जैसे कंपनी के ऊपर आप एक चीज़ को नोटिस करना, 28% के आसपास कंपनी के टोटल इस बार प्रॉफिट को देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस में, और सेल्स कितना देखने को मिला 4%, मतलब बाकी जो इसका पेयर कंपनी है वो सारे कंपनी का सेल्स को सेम टू सेम लेवल में है, मगर प्रॉफिट को देखिए बाकी सारे कंपनी के ऊपर नेगेटिव है, अकेला रिलैक्सो को छोड़कर। तो रिलैक्सो कोई बेकार कंपनी तो नहीं है, अगर बेकार होता तो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता। और दूसरी बात, कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है, टॉप 5 अगर कंपनी को मैं पकड़ लूँ तो वहाँ पे सबसे कम डेप्थ इसी कंपनी को देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर इसी सारे कारण के वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी को और माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा देखिए इंस्टीट्यूशन जो एफएस है वो क्वांटिटी खुद के जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसी बेसिस में जो डीआईएस है उसके भी होल्डिंग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मतलब ग्रोथ जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा
इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, बहुत नीचे लेवल से इन्वेस्टमेंट है, तो मैं वेट करूंगा ऊपर जाने के लिए। और ट्रेडिंग पर्पस में मैंने एक ट्रेड लेने का कोशिश किया, मगर ट्रेड बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद दोबारा शोल्डर बना और फाइनली एक बिग फॉल हो गया। तो ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किए थे मगर कोशिश नाकाम हुए, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक फॉल देखने को मिला। और मुझे लग रहा है कंपनी एक लगातार सेलिंग प्रेशर और भी बनाते चले जाएंगे। तो अगर सेलिंग प्रेशर हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं, कंपनी के लेवल जो है डाउन साइड का 750 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार हैं, आपकी समझदारी से काम लीजिए, मेरा काम था आपको सारे पॉइंट शेयर करना। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी इतना जल्द से जल्द रिकवरी करेंगे, तो जो लोग कमेंट्स किया है कि तो होल्डिंग करते करते थक चुका हूँ, मुझे लगता है कि आप एक बार आपके जो रिसर्च है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। देखिए, एसआरएफ इंडिया के सबसे बड़े केमिकल कंपनी है और इस केमिकल कंपनी ने अराउंड 8 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। शायद आपने सुना नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, 8 लाख%, 8 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। इतना बड़ा रिटर्न कहाँ से दिया, कंपनी बीएससी के ऊपर दिया। गूगल में जाकर खुद सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा कि 8 लाख% के आसपास कंपनी रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्या फिर से 8 लाख% के आसपास रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का जो मेन मकसद है, मेन जो वजह है, वो मैं आपको बता दूँ। इस कंपनी देखिए, लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल्स कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, सिर्फ एसआरएफ के ऊपर नहीं, सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक बार डेटा देख लेना, तो वहाँ पे ग्रोथ डाउन हो चुका है। जैसे मैं एक बार पीआर कंपनी के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं एसआरएफ के ऊपर भी 50% सेल डाउन है। बाकी देखिए, गुजरात जो फ्लोरो केमिकल्स है उसके ऊपर 75%, दीपक नाइट्रेट के ऊपर 3%, टाटा केमिकल के ऊपर 60%, मतलब गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर 66% के आसपास प्रॉफिट डाउन है। उसी तरीके से सेल्स का भी डेटा डाउन है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े के बारे में बात करूं तो पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है। तो इस सेक्टर में स्लो डाउन के कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप एक बार जरूर थिंकिंग रखिएगा कि इस कंपनी एक लंबा जर्नी का घोड़ा बन सकता है। पहले तो लंबा जर्नी का घोड़ा बन चुके हैं और भी ज़्यादा लंबा जर्नी करने का लिए कंपनी तैयार है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड हमेशा रहेगा। शायद फ्यूचर में कुछ भी हो तो केमिकल्स बिना कुछ भी नहीं बनेगा। आज खाने पीने के चीज़ से लेकर मतलब जो गाड़ियाँ बन रहा है तो उस लेवल तक भी केमिकल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेंट जो यूज़ किया जाता है वहाँ पे भी केमिकल एडजस्ट मतलब एडिंग किया जाता है, क्योंकि पेंट बनाने के लिए भी केमिकल का जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली एसआरएफ एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब क्या है, मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। सेक्टर वाइज देखा है तो ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले इस तरीके से जो केमिकल सेक्टर में जो ग्रोथ रुकी हुई है तो वो ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, जो डिमांड है वो डिमांड अभी तक नहीं बढ़ा, तो जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स तक कंपनी ठीक ठाक था, करंट ईयर में कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो बाकी मैं एसआरएफ के ऊपर पॉजिटिव हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एसआरएफ के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा एक ट्रेड बना, क्योंकि यहाँ पे कब हुई धन रिटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो इजिली मेरे हिसाब से 3,010 रुपीज़ के आसपास जाकर टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा खुद का ट्रेड है, तो प्लीज़ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन का यहाँ पे कोई भी सिचुएशन नहीं है, मैं काम करता हूँ मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से। आप काम करिए आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके, क्योंकि ब्लाइंडली मेरे ट्रेड से काम मत करिए, क्योंकि लॉस होगा तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर है फिर भी इसका पूरा का पूरा काम ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ ही है। तो इस कंपनी के ऊपर जो जो धीरे धीरे करके ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी का इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो भी शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 4,500 करोड़ से 3,500 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, 4,500 करोड़ का सेल्स हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब कंपनी बेस लेवल में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करेगा तब उसमें ग्रोथ बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आगे बढ़ने का दम है, क्योंकि कंपनी 3 साल और 5 साल में कंपनी किस तरीके से सॉरी 3 साल और करंट ईयर में
कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली जर्नी देखने को मिला। शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कोई बेकार कंपनी नहीं है, आईटी सेक्टर में बिलोंग करते हैं। हाँ, ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा इस कंपनी में उतना ग्रोथ दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक टेड बनने जा रहा है। एक कब बना उसके बाद एक हैंडल बटन यहाँ पे क्रिएट होने की तैयारी कर रहा है। तो जब हैंडल बटन क्रिएट होगा तब मैं जरूर टेल लूंगा, मगर उससे पहले एक दिक्कत आ चुका है। वो क्या है, देखिए जो कप का जो लो था उसी लो को यहाँ पे हैंडल ने क्या किया, टच कर लिया। तो जब कप का लो को हैंडल टच करेंगे तो उस पैटर्न को इग्नोर जरूर करना चाहिए। तो क्योंकि इस पैटर्न से क्लियर कट आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन सा कप है कौन सा हैंडल है। तो कप हमेशा बड़ा होना चाहिए, हैंडल कितना भी बड़ा हो कप के नीचे लेवल को टच नहीं करना चाहिए। अगर नीचे लेवल को टच कर दिया तो सोचिए आपका पैटर्न्स कंप्लीट नहीं होंगे। कंप्लीट अगर होगा भी तो वहाँ पे रिक्सी जोन बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का लोअर लो बनते चले जा रहे हैं तो एक करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो 1105 मतलब 52 के आसपास जाने का चांसेस है। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते इस कंपनी को जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है निधि ग्रेनेट्स लिमिटेड। तो निधि ग्रेनेट्स लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 97 करोड़ का कंपनी है। मगर कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का बोनस का। तो सेकेंड हाफ में कंपनी एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर बोनस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि बोनस स्प्लिट के चलते है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना मतलब खुद को जोखिम में डालना। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।